आज आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित है, आप सबको ध्यान में है राज्य के ऐसे तो कई समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो स्थानीय निकाय का जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर के और भी बाकी समस्याएं हैं। पार्टी की ओर से तय हुआ है कि 16 तारीख को 16-12 राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में एक दिन का एक दिवसीय धारणा का कार्यक्रम। तो आप सब लोगों के संज्ञान में है कि भाई इस राज्य में जो स्थानीय निकाय है ये पहले ही कई एक नगर निगम थे जिसका तो कार्यकाल पूरा हो गया, या नगर पंचायत जिसको कहते हैं स्थानीय निकाय में, एक तो 6 नगर निकाय जो बना हुआ था ये नया बनाया है, चुनाव होना, लेकिन कोरोना के कारण सरकार ने उस समय चुनाव नहीं कराया। तो उस समय तो हम सब लोगों ने भी कुछ नहीं बोला था क्योंकि कोरोना वैकल्पिक पॉइंट पर था, और 8 उसमें से देवघर और धनबाद तो नगर निगम है, और शेष जिसको कहते हैं ना कि नगर पंचायत है, नगर पार्षद है, इन सब कुल मिलाकर के ये 14 स्थानीय जो निकाय है नगरों में वो पूर्व से ही डिगो पड़ा हुआ है। कोरोना के कारण उस वक्त सरकार ने चुनाव नहीं कराए, और अब पंचायत का जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होगा, लेकिन राज्य सरकार चुनाव कराने पर कहीं भी कोई दिख नहीं रही है और एक प्रकार से बैठे हुए, क्योंकि साफ ये समझ में आता है राज्य सरकार की मंशा, जो कि राज्य सरकार चाहती नहीं है कि शक्ति का कोई विकेंद्रीकरण हो और सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहती है। पूरे लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, ये लोग बड़े बड़े गांधी जी की बात करते हैं, और कांग्रेस भी सरकार में वो लोग तो ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि भाई पंचायत की जो व्यवस्था इस देश में राजीव गांधी ने लाया, लेकिन इस राज्य की हालत क्या है जब इसका कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो इसको चुनाव की प्रक्रिया तो 2-4 महीनों से शुरू हो जाती, लेकिन बिल्कुल अभी भी कहीं आप तो दिसंबर में इसका कार्यकाल ही समाप्त हो रहा है, तो उस पर कुछ भी सरकार के ध्यान नहीं है उस पर, यानी पूरे तंत्र को अपने कब्जे में करना चाहती है सरकार ताकि पावर अपने पास सिमट जाए और सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों से फिर काम करावे, और काम के एवज में जिस प्रकार से करप्शन है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो कि कमीशन सत्ता में बैठे हुए लोग यहां तक पहुंचे, यानी इसके ही एक प्रकार से वो जुगाड़ लगा रहे। तो इसलिए पार्टी की ओर से ये डिमांड है, इसी डिमांड को लेकर के हम लोग 16-12-2020 को प्रखंड मुख्यालय में धरना है कि हम लोग की मांग है कि भाई स्थानीय निकाय का चुनाव सरकार को अविलंब कराना चाहिए, बिना विलंब किए उसको कराना चाहिए। क्योंकि इस बीच में आप सबने देखा कि दुनिया में भी बड़ा बड़ा चुनाव हुआ, अपना देश में भी बिहार में विधानसभा का चुनाव हो गया, झारखंड में भी 2 विधानसभा का उपचुनाव हो गया, देश के कई हिस्सों में अभी आप सब लोगों ने अखबारों में सब देखा कि राजस्थान में चुनाव हो गया स्थानीय निकाय का, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में भी जो क्षेत्रीय वहां के जो काउंसिल था उसका तो चुनाव हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी जिला परिषद वगैरह का जो चुनाव चल रहा है, और यहां तक जो कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित था दुनिया के जो सबसे बड़ा देश अमेरिका, वहां भी चुनाव हो गया। तो हम कहेंगे कि भाई राज्य सरकार को बिना विलंब किए स्थानीय निकाय का चुनाव, त्रिस्तरीय जो पंचायत है और साथ में जो
नगर निगम है, नगर पार्षद है, नगर पंचायत है, जिसका जो चुनाव पहले से डीओ पड़ा हुआ है, इन सब का बिना विलंब किए चुनाव कराना चाहिए और ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो, गांव तक पहुंच सके। अगर चुनाव नहीं होगी, आज जो भी थोड़ा बहुत काम दिखता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार दे रही है मनरेगा से या बाकी और सारे काम जो लोगों को मजदूरी मिल रहा है, तो फिर जिन जिन राज्यों में चुनाव नहीं होता है, पहले भी यही हुआ था, इसी कारण से इस राज्य में चुनाव कराना पड़ा पिछले, उस समय भी याद होगा आप सब लोगों को कई झंझावतों के बाद। तो राज्य फिर केंद्र की सहयोग से गांव छूट जाएगा, मजदूर उससे मरहूम हो जाएंगे। एक तो पहले से ही झारखंड में इतनी बड़ी बेकारी और बेरोजगारी की समस्या है, पहले से यहां बड़ी तादाद में लोग पलायन कर चुके हैं, जो कुछ लोग यहां बचे हुए हैं जिनको जो रोजगार मिल रहा था ये पंचायत के माध्यम से, स्थानीय निकाय के माध्यम से, और ये अब चुनाव नहीं होगा तो वो भी काम बंद हो जाएंगे, तो बचे खुचे जो लोग गांव में हैं वो भी लोग बाहर चले जाएंगे और राज्य में फिर क्या कहते हैं अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए पार्टी की दृढ़ मत है कि सरकार को चुनाव करानी चाहिए, चुनाव में बिल्कुल विलंब नहीं करनी चाहिए, अब त्वरित तो सरकार को उस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। फिर दूसरा जो मामला है महत्वपूर्ण वो है किसानों को लेकर, किसानों को लेकर के नहीं धान के क्रय को लेकर। अब किसानों के खेत से आप धान तो खलिहान में भी और खलिहान में भी धान निकाला गया, लेकिन सरकार ने कहीं कोई खरीदारी की केंद्र की, तो उन्होंने 398 ऐसे केंद्र की घोषणा कर रखा है क्रय केंद्र, लेकिन कहीं कोई क्रय केंद्र की कोई खरीदारी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस कारण से झारखंड में जो किसान है वो बिचौलियों के हाथ हो, मतलब आधे दामों में 900 1100 1100 रुपये अधिक से अधिक किसानों को बेचना पड़ रहा है। और आज ही हमने किसी अखबार में देखा राज्य के मुख्यमंत्री कहता है कि हम देश के किसानों के साथ हैं, मैंने देश के किसानों के साथ हैं, झारखंड के किसानों के साथ ये नहीं। अब जरा सोचो भाई, केंद्र सरकार ने जो एमएसपी जो घोषित की है 1864 रुपया, और राज्य सरकार का अनुदान है कि भाई जो बोनस या क्या कहते हैं 182 रुपया, तो अब ये 2050 रुपया से तो आज किसान वंचित हो रहे हैं। राज्य के जो वित्त मंत्री कहते हैं कि धान में नमी होता है इसलिए सूखेगा तब खरीदेंगे, हमने पता किया किसानों से कि भाई किस प्रकार से आप लोग धान बेचते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो बताया कि सर पहले से बेचते हैं और वो नमी के नाम पर 100 किलो में 15 किलो उसको काट करके ही पेमेंट लो किसानों को किया जाता है। कहने का अर्थ है कि जो धान में मॉइस्चर होता है उसको खरीदते समय ही लैंप्स हो पैक्स हो जहां भी सरकारी खरीदारी होती है उसको वहीं माइनस करते हैं। तो ये तो इनको खरीदारी नहीं करनी है, किसानों के प्रति इनकी दर्द कुछ भी नहीं है। और दो दिन पहले आप देखें कि ये लोग बड़ा किसान तो नहीं थे, नेता लोग रोड पर घूम करके हंगामा मचाए हुए थे, जैसा लग रहा था कि लोग किसानों के बड़ा हितैषी है, लेकिन वास्तव में एक तो झारखंड में छोटे छोटे किसान होते हैं, कोई बड़े बड़े कोई जमींदार नहीं कि फरवरी तक वो धान को रखेंगे घर पर, खेत में आता है, खेत से खलिहान में आता है, खलिहान से कूट करके तुरंत वो बेचते हैं। अब ये कह रहे हैं कि फरवरी तक हम खरीदेंगे, किसान तो तुरंत कूटता है तुरंत बेचता है फिर अपना काम करता है आगे। आज अगर ये खरीदारी करती तो राज्य के किसानों को जो केंद्र सरकार की अगर ये बोनस नहीं भी देती अनुदान नहीं भी देती तो 1868 रुपया तो ये किसानों के खाते में पैसा जाता।
लेकिन सरकार को तो किसानों की कोई चिंता नहीं है। ये तो खाली जिसको क्या बोलते हैं, जो जानकारी हम सब लोगों ने प्राप्त की थोड़ा सा पलामू वगैरह में, थोड़ा सा वो भी आंशिक रूप से, ऐसा नहीं। और जगह जगह से किसान लोग टेलीफोन कर रहे हैं, मैं रोज कह रहे हैं कि सर की धान की खरीदारी कहीं नहीं हो रही है, कोई खरीदने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो हम सरकार से कहेंगे कि भाई बिना विलंब किए सरकार को या तो पंचायत स्तर पर या जितना भी लैंप्स है पैक्स है उसमें धान की खरीदारी की सरकार को तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें विलंब नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तो सवाल किसानों की है, किसान आज और झारखंड में तो हम सबको पता है यहाँ मार्जिनल किसान है, कोई बड़ा बड़ा यहाँ किसान नहीं है कि उतना दिन तक प्रतीक्षा करेंगे और तब सरकार को बेचेंगे। इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि वो जल्दी से जल्दी, तो ये दूसरा मुद्दा है जो हमने कहा कि 16 तारीख को कई मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना में बैठेंगे। पहला हमने कहा कि स्थानीय निकाय है, दूसरा धान की खरीदारी अविलंब शुरू किया जाए, तीसरा जो बड़ा ज्वलंत तो मुद्दा है वो है बालूघाट को लेकर। झारखंड में 24 जिला है और 24 जिला में से हमारे पास जो जानकारी है मात्र 25 से बालूघाट की नीलामी है जिसको कह सकते हैं विधिवत, और बाकी यानी कहीं कोई नीलामी नहीं है। आप कहेंगे कि उसके बाद क्या हो रहा है, लेकिन यहां जो स्थानीय है जो निर्माण कार्य चल रहा है वो सब भी प्रभावित हो रहा है, यानी उन लोगों को महंगे दामों में बालू को खरीदना पड़ता है। उसमें भी अगर कोई अपना घर बनाते हैं या कोई गरीब तो प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, तो वहां भी अगर कोई ट्रैक्टर से बालू ला रहा है तो पुलिस वाले ट्रैक्टर को भी पकड़ करके थाना में डाल देते हैं, लोगों के ऊपर केस कर देते हैं। भयाक्रांत है, भयाक्रांत क्या, भया दोहन हो रहा है पूरी तरह से, ये पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। मैंने बालू की तो झारखंड के अंदर लोग परेशान है, और सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकार ने माइनिंग विभाग ने बालू डंप की लोगों को लाइसेंस दे रखा है भिन्न भिन्न जगहों पर। और मैं तो कहूंगा कि हमारे जहां मेरा गांव है उससे 20-30 किलोमीटर एक सकरी नदी के किनारे में एक क्या कहते हैं डिपो बनाने के लिए किसी को लाइसेंस दे रखा है। तो एक दिन हमने माइनिंग विभाग के जिला में माइनिंग ऑफिसर से हमने पूछा टेलीफोन से कि हम बोले साहब ये कहाँ दे रखे, बोले नहीं हम लोग तो नहीं, राज्य से ही वो डिपो के लिए लाइसेंस निर्गत होता है। हमने पूछा कि बालू कहां से वो लाता है, बोला कि हमें तो पता नहीं। फिर हमने उसका तहकीकात करना शुरू किया, एक तो ये जो 24-25 जो बालू घाट है उससे लाइसेंस दे रखा है लोगों को, और यहां तक कि डिपो में बालू बंगाल से भी ला करके वहां रख सकता है इस प्रकार की ताकि। लेकिन होता क्या है सच्चाई में तो यही है, जहां बालू गाड़े बगल की नदी से उठा करके और उस डिपो में रख करके और फिर रास्ते में बालू सब बिहार की ओर बंगाल की ओर ये बाहर जा रहा है ट्रक के ट्रक। और इस काम में पूरी तरह से कांग्रेस के लोग और जेएमएम के लोग लगे हुए इस लूट में पूरी तरह से पूरे राज्य में, और ये खेल थोड़ा मोड़ा नहीं है, पूरे एक साल में लगभग 1,000 करोड़ रुपया का खेल। यानी राज्य के मुख्यमंत्री बार बार कहता है कि भाई हमारे खजाना में पैसा नहीं है, तो इसके खजाना में कैसे पैसे पैसा आएगा। अगर उसको लीगलाइज करता या टेंडर करते नीलामी करता, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई आप जब तक नीलामी नहीं करते या कोई अल्टरनेट कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं खड़ा करते तब तक आप स्थानीय निर्माण के लिए, मैं स्थानीय निर्माण शब्द का उपयोग कर रहा हूं, यानी राज्य के अंदर में जितना भी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जहां बालू की जरूरत है उसको आप फ्री कर दें। अब झारखंड के जितने भी बॉर्डर है वहां पर चेक पोस्ट आप लगा दीजिए, अगर कोई तस्करी करता है, कोई यूपी की ओर बालू ले जाता है, बिहार की ओर बालू ले जाता है, बंगाल की ओर ले जाता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा की ओर ले जाता है, आप उसको पकड़िए उस पर, हम लोग उस तरह कुछ नहीं करेंगे।
लेकिन आज इस झारखंड प्रदेश में जो लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो मजदूर जो मजदूरी कर रहा है, कहीं कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है बना हुआ, कहीं अपना घर कोई बना रहा है, कोई कुआं बना रहा है, कोई सड़कें बन रही है कहीं भी, तो यहां जहां बालू सस्ता मिलता वहां बालू महंगा हो रहा है, क्योंकि सब एक प्रकार से स्मगलिंग राज्य के अंदर में भी समझिए हो रहा है, कालाबाजारी हो रही है। और मजेदार बात है कि ये सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास है, खनन विभाग, तब इतनी लूट मची हुई है, तो आप सोच सकते हो। इसका अर्थ ये होता है कि अगर वहां ये स्थिति है, उनके विभाग में, उनके पास विभाग है, तब तो पूरे प्रदेश क्या कहते हैं, और विभाग का क्या हालत होगा, आप सब लोग सहज ही समझ सकते हैं। तो ये तीसरा विषय था बालू घाट को लेकर के। हमने कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक, नीलामी अथवा वैकल्पिक व्यवस्था के होने तक, अब कुछ भी आप व्यवस्था नहीं करते हैं तो राज्य के अंदर में जितना भी निर्माण कार्य पड़ रहा है, चल रहा है, उसके लिए आप कोई रोक टोक नहीं करें, उसके लिए कोई पकड़ धकड़ नहीं, सरकार उसको फ्री करे। और ये पहली दफा नहीं, आप देखे होंगे राज्य बनने के बाद इसी प्रकार से, उस समय राज्य बनने के पहले किसकी सरकार थी, जो लोगों ने आज यहां सरकार बना रखे उन्हीं लोगों के सहयोग से उस समय भी सरकार थी, उस समय भी इसी प्रकार के बालू की लूट होती थी, तो हमने उसको फ्री कर दिया था। और ये हमको लगता है 8-9 तक ये व्यवस्था रही है पूरी तरह से, और कहीं कोई दिक्कत नहीं था, किसी को बालू सस्ता मिलता था, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, कहीं कोई परेशानी नहीं था। तो हमने कहा कि आप जब तक घाटों की नीलामी नहीं होती है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता है, तब तक आप इसको फ्री कर दीजिए राज्य के अंदर में, राज्य से जो बाहर ले जाता है उसको आप रोकिए, हमें कोई दिक्कत नहीं।